एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टिप्स बाय यामी। आज का जो वीडियो है वो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का, इसलिए मैं विदाउट मेकअप बैठी हूँ क्योंकि आज मैं मेकअप आपके साथ करने वाली हूँ। क्योंकि नायका पे चल रही है हॉट पिंक सेल, तो आप उस सेल में से कुछ अपने लिए प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी प्रेप कर लिया है। सबसे पहले तो आज मैंने अपनी आंखों में लेंसेज नहीं लगाए हैं। मैं लेंसेज मतलब जब लगा रही थी ना, तो लिटरली मेरी आंखें इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने 3-4 शेड लगाए और सारे शेड मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा आज मैं विदाउट लेंसेज मेकअप करूँगी, तो देखते हैं कैसा लगेगा। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो है ये वाला स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, और ये शेड है गोल्डन। तो बेस के लिए मैं हल्का सा ही लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम। एक अफोर्डेबल में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने ये लगाया है तो आपको फिर प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा प्राइमर का भी काम करता है और हल्का सा इल्यूमिनेटर का भी काम करता है। वो हल्की हल्की पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन को थोड़ा सा कैंसिल करूँगी, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर पीच कलर करेक्टर लगा लूँगी। आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट नहीं है, लाइट से है ना, तो वो तो आपके जैसे फाउंडेशन से भी ना न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लेकिन मेरी तरह थोड़े से डार्क है क्योंकि आजकल क्या प्रॉपर मैं सो नहीं पा रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और तो डार्क सर्कल्स हो गए हैं, थोड़े पिंपल मार्क्स दिख रहे हैं, तो कोई भी पिगमेंटेशन वाला एरिया तो वहाँ पर ना मैं ये लगा लूँगी। तो ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे फटाफट। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करेंगे हम, इतनी ब्लेंडिंग करेंगे कि ना मतलब थोड़ा सा शेड जो है वो ऑरेंज कलर दिखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही उसको गायब कर देंगे हम ऑरेंजीनेस को, तो हमारी जो पिगमेंटेड एरिया है ना वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, इसलिए ऑरेंजीनेस वो दिखनी चाहिए या पीचीनेस जो है वो दिखनी चाहिए। नेक्स्ट मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये है मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पंप लिए हैं मैंने इसके, और इसको मैं अपने फिंगर से ना फेस पे अप्लाई कर लूँगी, डॉट डॉट मेथड। आपने कलर करेक्शन किया हो ना, उसके बाद जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो मतलब ना थोड़े से हल्के हाथों से लगाना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट हैंड से लगाएंगे ना तो नीचे का जो आपने कलर करेक्शन किया है ना वो सब गायब हो जाएगा, फिर आपकी स्किन जो है वो वैसे ही फिर थोड़ी देर बाद ग्रे लगने लगेगा, वो वाला एरिया जहाँ पर भी आपने कलर करेक्शन किया होगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है मेरा मेबलिन का लूज फिट मी पाउडर, और ये काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में भी है, और मेरा शेड मैं यूज़ कर रही हूँ मीडियम। पाउडर में ही मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ, ये है मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो जो लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको सिर्फ मेकअप को सेट करना है और मैटिफाइंग इफेक्ट देना है तो आप लूज पाउडर ले लेना, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मतलब थोड़ी बहुत कवरेज भी मिल जाए और आपको फाउंडेशन ना लगाना पड़े और सिर्फ पाउडर से ही कवरेज मिल जाए, तो आप ये फिटमी का ये वाला पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है। मैं ट्रैवलिंग में हमेशा इसको लेकर जाती हूँ, तो ये वाला भी ले सकते हो। ये मेरा जो शेड है ये है प्योर बेज। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं लूज़ पाउडर से सेट करूँगी, और वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जब ट्रैवलिंग करती हूँ ना उस वक्त जैसे मैं फाउंडेशन वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, तो उस टाइम तो मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर ही अपने पास रखती हूँ, यही मेरा लाइफ सेवर है, और इसको लगाने के बाद मेरे को जो करना होता है फेस पे वो मैं कर लेती हूँ। लूज़ पाउडर में ना अफोर्डेबल में बहुत अच्छा ऑप्शन है मेबलिन का। देखो, अगर ऑयली स्किन वालों को एक टिप दे देती हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो आपने लूज़ पाउडर जब लगाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा लगाना। ज़्यादा लगाने से डरने वाली बात नहीं, वो होता थोड़ी देर बाद जितना स्किन में एब्जॉर्ब होना होता है वो हो जाता है, और जितना भी स्वेटिंग होगी ना वो ऑयल जो भी निकलेगा आपके स्किन से वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ। और अगर आपको मेबलिन से ये वाला जो फिटमी पाउडर है ये भी आपका 700 के अराउंड आएगा, लेकिन अभी सेल में आपको और कम प्राइस पे ये 550 या 500 के अराउंड मिल जाएगा। लेकिन इससे भी और सस्ता चाहिए आपको तो ये मार्स का लूज पाउडर ये रिकमेंड कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल में है और प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी फाइनली मेल्ट पाउडर है ये। और इसके साथ जो स्पॉन्ज आता है ना वो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा सिलिकॉन टाइप का स्पंज है इसका। अब मैं आईब्रोज फिल करने के लिए ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला जो मेरा शेड है ना ये है डार्क ब्राउन, इसमें तीन शेड आते हैं ब्लैक, ब्राउन और एक डार्क ब्राउन। तो अगर आप मेरे स्किन टोन के और आपके हेयर जो हैं वो थोड़े डार्क टोन में है ना तो आप ये डार्क ब्राउन वाला शेड यूज़ करना। और ये वाला ना पेंसिल बहुत अच्छा है, इसमें क्या है कि एक साइड तो आपका स्पूली है और दूसरा साइड आपका पेंसिल है, तो दोनों ही चीज़ एक पेंसिल में मिल जाते हैं। और इसका प्राइस ना बहुत अफोर्डेबल है, ये 130 या 140 रुपीज़ की आ जाएगी आराम से। तक ये 5-6 पेंसिलें यूज़ कर ली हैं तो इस वजह से तो अभी फ़िलहाल हम यही वाली पेंसिल यूज़ करेंगे। सबसे पहले आईब्रोज को इस स्पूली के साथ कॉम कर लो। इस पेंसिल का ना टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है और इजीली ग्लाइड भी हो जाती है आईब्रोज पे। ये पेंसिल जो है ना वो बहुत बहुत ही अच्छी है, स्विस ब्यूटी की भी अच्छी है आईब्रो पेंसिल तो, बट ये इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें स्पूली लगी हुई है ना, खाली वाटर स्प्लैश करोगे ना फेस पे तो हल्का सा निकलती है, मतलब ब्लीड नहीं होगी, फेड हो जाती है, बट वैसे अच्छी है। अगर आपको बीच में मुंह नहीं धोना है तो अच्छी है, काफ़ी देर तक टिक जाती है। नाउ डन विद द आईब्रोज, अब हम फेस पे शेप देंगे। तो उसके लिए मैं ये वाली आपको पैलेट रेकमेंड करती हूँ, ये है शुगर की फेस पैलेट। और इसमें ना आपको इस तरह के ये वाले शेड्स मिल जाएंगे। ये वाला जो मेरे पास है सटल सबमिट है 01 पैलेट है, और इसमें आपको कॉन्टोर मिल जाएगा और ये हाइलाइटर भी है इसमें, ठीक है। और इसमें ये वाला ब्लश भी है, तो ब्लश देखो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये पैलेट मैं बहुत यूज़ करती हूँ। फिर इसमें आपको और भी शेड का ब्लश मिल जाएंगे, एक तो कोरल वाली पैलेट मिल जाएगी जिसमें कोरल कलर का ब्रश है, ब्लश कोरल कलर का ब्लश है, तो वो तो बहुत ही सुंदर है। मैंने उसको सेपरेटली एक उसका पैन बाय किया हुआ है तो वो मुझे बहुत पसंद है। इसका जो कॉन्टोर पाउडर है ना जो सटल सबमिट पैलेट में आता है ये आपको सेपरेटली भी मिल जाएगा, तो अगर आपको इंडिविजुअल ख़रीदना है तो वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो फुल पैलेट है ना, फुल पैलेट बहुत अच्छा है, हाइलाइटर भी इसका अच्छा ही है, और इसका कॉन्टोर पाउडर तो मुझे बहुत पसंद है। इसका शेड जैसा होना चाहिए ना ब्रॉन्जर का कलर बिल्कुल वैसा ही है, और इसका ब्लश भी बहुत अच्छा है। अगर आपको न्यूड ब्लशेस पसंद हैं, बहुत हल्का सा फ्लश ऑफ कलर अपने फेस पे देना है ना तो आप ये वाला ब्लश यूज़ करना। इसका है पीच, पता नहीं क्या नाम है इसके ब्लश का, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी क्या नाम है इसका। और इसमें दूसरा वाला आता है पिंक पिनेकल, तो वो पिंकी टोन में है बट ये पीची पिंक है, तो मुझे मेरे फेस पे जो अच्छा लगता है ना वो पीची पिंक अच्छा लगता है। इसका कॉन्टोर शेड बहुत अच्छा है, मोस्टली हर स्किन टोन पे चल जाता है। फेयर स्किन टोन और मीडियम स्किन टोन पे तो ये वाला जो शेड है ना ब्लश का तो ये तो दिखेगा, लेकिन अगर आप डीपर स्किन टोन के हो तो शायद नहीं इतना विजिबल होगा। मुझे ना वैसे ब्लश लगाना ना सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग पूरे फेस पे लगाना पसंद करते हैं, बहुत लड़कियों को ना ऐसा अच्छा लगता है जैसे भरे भरे गाल दिखाना। आई एम वन ऑफ दोस, मुझे ना भर भर के ब्लश लगाना अच्छा लगता है, मुझे अच्छे लगते हैं पिंकी चीक्स वो पूरा भर भर के। हाइलाइटर भी मैं इसी में से ले लेती हूँ, ये एक शैम्पेन कलर है हाइलाइटर का, अगर आपको ठीक से विजिबल नहीं हो रहा होगा तो ये एक शैम्पेन गोल्ड कलर है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये।
अभी जैसे डे टाइम के लिए हम लगा रहे हैं तो हम हल्का सा ही लगाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइलाइटर भी मुझे लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि डिस्को बॉल जैसा भी हो जाए ना तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। हल्का सा मैं अपने ब्राउ बोन पे लगा रही हूँ। सी, देखा आपने एक पैलेट में हमने कितने सारे काम कर लिए। इससे इसको ना आप आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो ओवरऑल अच्छी, बहुत ही अच्छी हाईली रिकमेंडेड पैलेट है ये। तो अब बारी आती है आई शेडो की। तो आई शेडो के लिए ना, अगर आपको बड़ी पैलेट चाहिए तो मैं आपको मार्स की ये वाली पैलेट रेकमेंड करूँगी। ये वाला जो मेरा शेड है 01 है, और इसमें जो शेड्स हैं ना वो सारे ऐसे शेड्स हैं जो आपके ना रेगुलर लाइफ में हो, या फिर आपका स्पेशल ओकेजन हो, पार्टी वटी में लगाना हो, तो ये सारे उस तरह के शेड हैं कि आपके मतलब आराम से हर चीज़ के लिए यूज़ हो जाएंगे, हर ओकेजन के लिए यूज़ हो जाएंगे। पर्टिकुलर ये वाला जो पैलेट है 01 है, बहुत ज़्यादा लाइट पिंक है, मैट में है, ब्राउन है, ब्लैक है। ब्लैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड होता है, तो ब्लैक भी मिल जाएगा आपको इसमें, है ना। बट बाकी ओवरऑल ये पैलेट मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने इस पैलेट को अपनी ब्राइडल पे भी कई बार यूज़ किया है। और अगर छोटी पैलेट लेना चाहते हो ना, तो मार्स की ये वाली पैलेट मैं आपको, आई बिलोंग टू माई पर्स, ये वाली पैलेट मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इसमें भी ना आपको डिफरेंट डिफरेंट पैलेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम मिल जाएगी आपको। जैसे मैंने इसमें जो लिया ना, ये थोड़ा सा वाइन टाइप की है, तो इसमें वाइन कलर है और उससे लाइट कलर है, वाइन से थोड़ा लाइट है, ब्राउन है, मीडियम ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, तीन शिमर शेड हैं और बाकी सारे के सारे मैट है। और ये है एक ऑफ वाइट कलर, क्रीमी कलर होता है ना, ये मैट में आए। इसमें आपको नियॉन पैलेट भी मिल जाएगी और भी बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, तो वो आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। लेकिन ये वाली पैलेट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी 01। तो ये वाला ब्राउन शेड ले लेती हूँ मैं। छोटी वाली पैलेट का डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, इसको लोअर लैश लाइन में लगा लूँगी। अब इसमें जो ये वाला क्रीम कलर है ना, ये वाला लगाऊंगी मैं थोड़ा सा। That's it. अब लाइनर के लिए ना मैं आपको ये वाला लाइनर रेकमेंड करूँगी। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट लाइनर है लैक्मे आइकॉनिक, और ये भी ना मैंने कम से कम 4-5 बॉटल इसका यूज़ कर लिया है। ये पता नहीं है, हाँ 4-5 बॉटल मैं इसकी ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक नहीं निकलेगा, और जब मतलब पानी भी डालोगे ना फेस पे तो ब्लीड नहीं होगा बिल्कुल, जब तक आप इसको रब नहीं करोगे तब तक। और ये ना एक मतलब पीलिंग फॉर्म में निकलता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे। इसका ये जो वॉन्ट है ना, ये इतना अच्छा है, अच्छे से कंट्रोल होता है आपके हाथ में जब लाइनर लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा विंग नहीं करेंगे हम, जितना मैं अपनी रेगुलर लाइफ में करती हूँ ना, बस वैसे ही विंग किया है मैंने। लैशेस कर्ल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाली मस्कारा कोट कर देंगे ना, तो उतने अच्छे से एक कर्लिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो लैशेस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अब मैं आपको ये आई लैश कर्लर भी ना, ये वेगा का है, तो ये भी आपको नायका पे मिल जाएगा। और अब मैं मस्कारा के लिए आपको रेकमेंड करूँगी मेबलिन का कॉलोसल येलो वाला मस्कारा। ये मेकअप आर्टिस्ट ले लो चाहे कोई भी ले लो, ये मस्कारा हमेशा सबके पास होता है। ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। मस्कारा देखो वैसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अफोर्डेबल वाले बता रही हूँ।
और जो वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वही मैंने आपको सजेस्ट की हैं, ठीक है। मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, पता नहीं मैं मेकअप जब भी करती हूँ, जब भी मैं ट्यूटोरियल शुरू करती हूँ, मेरी नाक से पानी क्यों निकलने लगा। हल्का सा इनर कॉर्नर पे हम लगा लेंगे, ये वाली बड़ी वाली पैलेट है ना, ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। सो गाइज, माय आईज़ आर डन। अब लिपस्टिक लगाएंगे, तो लिपस्टिक के लिए मेरे पास बहुत ही सारे ऑप्शन हैं। तो देखो, शुगर के भी ऑप्शन हैं, या फिर मैं पैलेट यूज़ करूँ, मेरे पास मार्स की पैलेट है। लेकिन जैसे कि ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन वीडियो है, तो मैं आपको मार्स की ये दोनों पैलेट रिकमेंड करूँगी। अगर आपको मिक्स एंड मैच करना आता है, आप मतलब क्रिएटिविटी कर लेते हो, तो आप मार्स का ये वाला पैलेट यूज़ करना, मार्स का 01। इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत सारे शेड्स ऐसे मिल जाते हैं जो आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की पैलेट है। अगर आपको इस पैलेट के जितने भी कलर्स हैं उनके लिप स्वाचेस देखना है ना, तो मेरे चैनल पे जाके देखो। मेरे चैनल पे मैंने सारे के सारे इसके लिप स्वाचेस करके दिखाए हुए हैं। इनफैक्ट दोनों ही पैलेट के लिप स्वाचेस दिखाए हुए हैं। और दूसरी पैलेट है 02, तो इसमें दो पैलेट आती हैं। और ये वाली जो लिपस्टिक है मैं बताती हूँ, ठीक है। और इसमें सारे आपको पिंक्स, रेड्स एंड न्यूड्स मिल जाएंगे, तो इनसे भी वैसे भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, ठीक। तो अगर लिपस्टिक की बात करूँ ना, तो इसकी फिनिश जो है वो प्रॉपर मैट फिनिश आती है। बहुत ज़्यादा मैट फिनिश नहीं है, एकदम मतलब ड्राई कर देने वाला मैट नहीं है। एक अच्छी मैट फिनिश जो होती है ना, वैसी फिनिश आती है, और क्रीमी मैट फिनिश आप इसको बोल सकते हो। एक तो आती है लिक्विड लिपस्टिक वाली जो मैट फिनिश होती है ना, वो वाली नहीं है, क्रीमी मैट फिनिश है, लेकिन मोर ऑफ मैट साइड। तो काफ़ी अच्छी फिनिश आती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए मैंने दोनों ही पैलेट ली हुई हैं। अफोर्डेबल में तो मैंने आपको मार्स बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अप रेंज में देखना है, तो आपको ना मैं शुगर की ये लिपस्टिक आपको सजेस्ट करती हूँ। ये है शुगर की नथिंग एल्स मैटर रेंज। नथिंग एल्स मैटर रेंज जो है ना, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, प्रॉपर मैट फिनिश देता है, क्रीमी मैट फिनिश है। लेकिन आपको लिप्स पे लगाने के बाद थोड़ा सा पाउडरी मैट फिनिश होता है ना, कुछ कुछ ऐसा लगेगा। बहुत ही अच्छे शेड्स हैं इसमें। इसमें मेरे पास आपको 3 से 4 शेड मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से शेड। लिपस्टिक लवर हो और मुझे आपको शुगर में से कोई लिपस्टिक का शेड सजेस्ट करने हैं, तो मैं आपको बताऊँगी शेड नंबर 15 बेज टर्नर, ठीक है। तो ये वाला शेड है, ये एक पीची ब्राउन शेड है, तो बहुत बहुत ही प्यारा है। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो ना, तो आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, लेकिन आप मुझसे डीपर हो तो ये आपको वॉश ऑफ करेगा, ठीक है। और दूसरा शेड है, अगर आपको पीच कलर लिपस्टिक पसंद है, तो शेड नंबर 21 है इसका, पीचर्स पेट। तो ये आप ले सकते हो, ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। और अगर आपको डार्क शेड पसंद है, तो डार्क शेड वाले ले सकते हैं। रेड और पिंक का मिक्सचर है ये, तो मोर ऑफ पिंक साइड में है ये, ठीक है। ये वाला शेड, शेड नंबर 14 रेड हरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। अगर आप न्यूली मैरिड हो, तो आपको ये वाला शेड बहुत पसंद आएगा। लिप्स पे लगाने के बाद ना, ये रेड और पिंक का मिक्सचर नज़र आता है। अभी कैमरा पे आपको थोड़ा सा पिंक की साइड में दिख रहा होगा ना, लेकिन ये प्रॉपर पिंक शेड नहीं है, ये रेड और पिंक का मिक्सचर है, इसलिए इसका नाम है रेड हेरिंग। तो बहुत ही, तीनों शेड ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें मेरे पास एक और शेड है, तो अगर आपको मतलब ब्राउन न्यूड में पसंद है ना थोड़ा, तो वो है मेरे पास शेड, अभी मुझे शेड याद नहीं आ रहा, लिपस्टिक भी पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है वो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में दिखा दूँगी, और लिपस्टिक स्वाचेस वीडियो बनाऊँगी ना, उसमें दिखा दूँगी। तो अभी हम जो शेड लगाएंगे, दो शेड को मिक्स करके लगाएंगे, ऑलराइट। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप्स को लाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से प्रॉपर फिनिश में लिपस्टिक लगानी है, तो मैं आपको ये स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छे लिप लाइनर हैं। मैंने जो इसमें शेड लिया हुआ है, ये है बॉबी ब्राउन शेड नंबर 14, और मैंने इसके 4 पेंसिल ली हुई हैं सेम शेड के, तो वो बहुत ही अच्छी है। हर ड्रॉर में मेरा एक एक पेंसिल मैंने डाला हुआ है। मेकअप यहाँ पर मेकअप रूम है, यहाँ पर 2 पेंसिल अलग रखे हुए हैं, एक मेरा नीचे मेरे रूम में रखा हुआ है, एक मेरे वैनिटी पाउच में रखा है, जो मेरा ट्रैवलिंग वैनिटी पाउच है। तो मैंने 4 सेम शेड के लिए, ये कलर बहुत अच्छा है, देखो मैं दिखा देती हूँ। वे जो मैंने लिप्स पे जो लिप बाम लगाया हुआ था ना, वो इकाई ब्रांड का था, तो ये भी आपको नायको में मिल जाएगा। बहुत 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 ही अच्छा लिप बाम है, इकाई ब्रांड का, मेरे पास है बीटरूट वाला वेरिएंट है।
तो इसका भी एक इंडिविजुअल वीडियो मेरे चैनल पे दिया गया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसका सेपरेट उसका वीडियो देख लो कि वो कैसा है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगा। सबसे पहला लिपस्टिक शेड मैं 21 पीचेस पेट लगा के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? हम मिक्स एंड मैच करके लगाएंगे। अगर आपको पीच लिपस्टिक्स पसंद है ना, तो ये वाला शेड ना आप छोड़ोगे ही नहीं, इतना ज़्यादा प्रिटी शेड है। अब मैं शेड नंबर 15 लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बेस टर्नर लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का शेड निकल कर आया है। आप चाहो तो आप इसको इस शेड के साथ भी फिनिश कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके साथ ग्लॉस ऐड कर सकते हो थोड़ा सा। तो वैसे मुझे सीज़न में ना, विंटर सीज़न में मुझे ग्लॉसी अच्छा लगता है। हल्का सा लगाएंगे और समर सीज़न में मैट अच्छे लगते हैं। तो ग्लॉस लगाने के बाद कुछ ही ऐसा लग रहा है। और अब मैं फटाफट से ज्वेलरी वगैरह फिनिश करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। और बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा नहीं भी लग रहा होगा तो भी बता देना। और इस लुक को ना आप, जैसे अभी राखी आने वाली है तो राखी पे वेयर कर सकते हो, किसी भी ओकेजन पे आप लोग इस लुक को वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वेयरेबल काइंड ऑफ लुक है ये। तो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। Bye-bye.